हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि वॉशिंग मशीन को जो है घर पे कैसे क्लीन करते हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले जो हमने इसका जो ये साइड में जो बॉक्स जैसा होता है इसको निकाल लिया था, और उसके बाद जो हम वॉशिंग मशीन के जो ढक्कन है ऊपर उसको जो है पेचकस के साथ ही निकल जाता है ये। तो इसको निकाला तो देखो कितना कचरा भरा हुआ है इसमें। तो इस वॉशिंग मशीन को जो लिए हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में जो इसको हम पहली बार जो है क्लीन कर रहे हैं। और हमने भी जो है यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, तो अपने रिस्क पे जो हम ये काम कर रहे थे। इसमें एक नेट दिया हुआ है, तो इसको जो है छोटी सी चाबी होती है उसके साथ जो है खोल लेंगे, और उसके बाद जो इसके ढक्कन को जो है दोनों तरफ से जो है पकड़ना होता है ऊपर को उठा के। और जो है इसमें फिर देखना आपने कितना बुरा हाल है इस वॉशिंग मशीन का, इतना कचरा भरा हुआ था ना इस वॉशिंग मशीन में, और इसमें जो इतनी मिट्टी थी और धागे फंसे हुए थे जो कपड़ों के होते हैं। तो इसको जो हमने जो है अच्छे से जो है क्लीन कर लिया था। फिर इसको जो हम पानी के साथ वॉश करेंगे, और अगर पानी गर्म पानी यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने इसको ठंडे पानी से ही वॉश किया था क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी और डर भी था। एक तो विंटर का टाइम है, डर भी लग रहा था अगर वॉशिंग मशीन ख़राब होगी तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ने। तो इसमें इतना गंद भरा हुआ आप खुद देख सकते हो कितना बुरा हाल है मशीन का। फिर इसके बाद जो इसको हमने पानी से जो है साफ कर लिया अच्छे से, और इसके बाद जो हम इसको जो है ब्रश के साथ भी जो है अच्छे से जो है क्लीन कर लेंगे। वैसे इजीली निकल जा रही थी ये मिट्टी जो है। तो अभी जो है थोड़ी इसकी जो शक्ल चेंज होगी, थोड़ी देखने वाली शक्ल होगी इसकी। और इसमें जो है कपड़े भी जो है ढंग से नहीं धुल रहे थे क्योंकि हाल ही इसका आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, कितना कचरा जो है इससे निकला है। और फिर इसकी जाली को भी जो है हम अच्छे से जो है साफ़ कर लेंगे ब्रश के साथ। और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट था ना वो आप खुद देखना लास्ट में। और इसमें जो है हम जब इसको क्लीन करने लगे थे तो इसमें एक गलती होगी मेरे से, जो इसका जो कचरा था वो मैंने इसी में ही रहने दिया। अगर इसको हम पहले साफ़ कर लेते तो ये पानी इसमें इकट्ठा नहीं होना था, फिर डर भी लग रहा था। फिर बाद में जो हमने इसका जो पीछे एक ढक्कन लगा हुआ है उसको खोला, और इसमें जो एक ये पाइप तार सी दी हुई है इसको जो ऊपर उठाएंगे तो पानी जो है निकल जाएगा क्योंकि पाइप में जो है पानी सॉरी कचरा जो है फंस गया था इसमें। तो फिर इसके ऊपर उठाने से जो है कचरा जो ईजिली जो है निकल जा रहा था, और अभी भी इसकी साइड साइड में जो है काफ़ी कचरा जो फंसा हुआ था और धागे जो हैं। और इसको पानी से जो हमने अच्छे से निकाल लिया था, और उसके बाद जो है फिर इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है इसमें जो है मैं आपको लास्ट में जो मशीन को चला के भी बताऊंगी, नहीं तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि पता नहीं मशीन चली भी कि नहीं चली। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो इसको जो कोई भी घर पे हम कोई भी जो ईजिली जो है क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसको वैसे ही बंद कर देंगे नेट को लगा के, नेट को जो अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो अगर ये लूज़ रह जाएगा तो मोटर में पानी जाएगा और मशीन जो है ख़राब हो जाएगी। तो इस नेट का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमने पीछे इसके जो ये नेट निकाले हुए थे इसको भी जो हमने अच्छे से जो पीछे से जो है नेट टाइट करके जो इसको बंद कर दिया था। और उसके बाद जो मैं आपको वॉशिंग मशीन को जो है चला के भी बताऊँगी।